श्लोक से शुरुआत करना चाहूंगा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। इंदस यूनिवर्सिटी के सारे पदाधिकारी जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, हिंदू संस्कृति और विज्ञान की चर्चा हमें क्यों करना पड़ रही है, इसको थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। तो हिंदू संस्कृति जिसमें सारे वेद पुराण आते हैं, तो ये संस्कृत में लिखे गए थे। इसको आसानी से समझने के लिए हमारे पूर्वजों ने इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू किया, सिंबॉलिकली या कहानियों के द्वारा उसको बताना शुरू किया, ताकि लोग आसानी से समझ पड़ सके, इसको इंटरकनेक्ट कर सके, इसकी बातों को दूसरों को आसानी से समझा सके। लेकिन जो मूल भावना थी, जो विज्ञान था, उससे जोड़ना भूल गए। धीरे धीरे ऐसे हुआ, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन का जमाना आया और जब हम वेद पुराण की बातें कहने लगे कि ऐसे करने से ऐसे होता है, और उसी स्तर पे जब हम बात करने लगे तो लोगों को लगा कि ये सब अंधश्रद्धा है, ये सारी गलत चीजें है, हिंदू धर्म के लोग कुछ भी फैलाते हैं, वेद पुराण सारे गलत है, इस तरह की भावना पनपने लग गई। तो जो मूल भाव था हर वेद पुराण का, भगवत गीता का, उपनिषद का, वो मूल भाव जो सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिक है, तर्कसंगत है, उसको बताना, उसको स्टडी करना हम भूल गए, और इसके कारण सामाजिक आर्थिक प्रगति हमारी कहाँ ना कहाँ रुक गई, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। तो आज उसी को हमें समझना है कि हिंदू संस्कृति के मूल में जो कुछ भी लिखा गया है, वेद पुराण है, उसका कैसे हमारे जीवन से, हमारे मन से, आर्थिक परिस्थिति से, सामाजिक परिस्थिति से कैसे लेना देना है, और वैज्ञानिक तर्कसंगत कैसे है, ये हमें समझना जरूरी है। ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें की कई चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे हम कहते हैं कि गोत्र, अभी हिंदू धर्म में एक चीज होती है कि कोई भी समाज में एक गोत्र में शादी की नहीं जाती, तो लेकिन गोत्र में शादी क्यों नहीं करना, ये किसी को पता नहीं चल रहा था, बस बोल दिया कि गोत्र में शादी नहीं करनी, यानी अपने नजदीक के रिश्तेदारों में से किसी के साथ शादी नहीं करनी है, इसका वही मतलब होता है। तो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या था, यह हमें समझना होगा। जब इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ तो पता चला, जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जीन्स के बारे में पता है, तो आपको पता चलता है कि एक ही जीन्स यदि बार बार उसका मिलन हो रहा है, तो इवन क्रॉप्स हो या ह्यूमन बींग्स हो या कोई भी एनिमल हो दूसरा, तो वही यदि जीन्स बार बार मिल रहे हैं तो उसमें कमजोरी आती है, और कुछ पीढ़ियों के बाद उसमें इतनी कमजोरी आती है कि उसमें शारीरिक और मानसिक विकार आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए एक हमारे पूर्वजों ने इसका बहुत स्टडी किया था, हमारे ऋषियों ने इसका स्टडी करके कहा था एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, और आज भी फॉलो होता है, लेकिन इसका साइंटिफिक कारण क्या था ये पता नहीं था। तो जितना हम इसका स्टडी करेंगे उतना हमें पता चलेगा। फिर दूसरी बात है कुश या दरबा कहते हैं हम उसको, आपने देखा होगा कुश या दरबा, जब भी हम कोई पूजा में बैठते हैं तो पंडित जी हमारी उंगली में, तीसरी उंगली में उसको पहनाते हैं एक अंगूठी की तरह, या फिर ग्रहण के वक्त हमारे पूर्वज, आपने देखा भी होगा कि जहाँ पे हमारा खाना होता रखा होता है या पानी होता है उसके आजू बाजू में या दरबा या कुश जिसको हम कहते हैं वो रखते हैं। उसका कारण क्या था, अभी इस पे यूरोपियन साइंटिस्ट ने कुछ स्टडी किया था, यूरोपियन साइंटिस्ट को क्या पता चला, इस दरबा ग्रास में या कुश में नैनो पार्टिकल्स होते हैं, और नैनो पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस होते सराउंडिंग में उसको एब्जॉर्ब करके किल कर देते हैं, जो भी विषारी तत्व होते उसको खत्म करते हैं। तो ये उसकी सबसे बड़ी बात थी। तो पूजा में या ग्रहण के वक्त, अभी ग्रहण के वक्त होता क्या है, सूर्य के आगे चंद्र या पृथ्वी आ जाती है, तो उसके कारण जितने मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेस अर्थ पे पहुंचनी चाहिए उतने पहुंच नहीं पाते, तो उसके वजह से जो ब्लू लाइट की वेवलेंथ होती है वो भी नहीं पहुंच पाती, उसकी वजह से क्या होता है बैक्टीरिया का प्रमाण हमारे इस पे ज्यादा बढ़ता है, और बैक्टीरिया का प्रमाण बढ़ने के कारण हमारा खाना दूषित हो सकता है, पानी दूषित हो सकता है, लेकिन उसके आजू बाजू ये कुश या दरबा को रख दिया जाए तो
तो क्या होता है, वो सारे बैक्टीरिया को एब्जॉर्ब करके किल कर देते हैं। तो उसके वजह से हमारे पूर्वजों ने ये सिद्धांत लाया था और इसको पूजा में भी यूज करते हैं और ग्रहण के वक्त भी यूज करते हैं। देखो कितना सैद्धांतिक है, कितना वैज्ञानिक है हर तरह, जिसको हमें स्टडी करना चाहिए और समझना चाहिए। फिर संस्कृत भाषा, देखिए संस्कृत भाषा को भी सेक्युलरिज्म के नाम पे हम कहते हैं कि ये तो हिंदुओं की भाषा है, इसको यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में और अमेरिका में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इसको मैंडेटरी किया है। क्यों मैंडेटरी किया है? उन्होंने संस्कृत भाषा पर रिसर्च किया और संस्कृत भाषा पे उनको ये पता चला कि जब आप संस्कृत श्लोकों का उच्चारण रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो कुछ ना कुछ समय, तो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, उसको चालना मिलती है। उसको चालना मिलने के कारण आपकी मेमोरी हो, इंटेलेक्ट हो, माइंड, ये शार्प होता है, आपकी पावर बढ़ती है, थिंकिंग पावर बढ़ती है। इसके लिए उन्होंने, भले ज्यादातर यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन ही है, फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। उन्होंने ये सोचा कि संस्कृत भाषा का इस तरह से फायदा है, तो इसे हमारे यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो एटलीस्ट ये समझते हुए हमारे यूनिवर्सिटीज को भी इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। संस्कृत भाषा का अनादर करना ये गलत है, क्योंकि संस्कृत भाषा भी साइंटिफिक तरीके से हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने इसको बनाया था। हर एक वर्ड के पीछे मीनिंग होता है, हर एक वर्ड का हमारे माइंड पे, हमारे मेमोरी पे, इंटेलेक्ट पे कुछ ना कुछ असर होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब इसका ब्रेन मैपिंग किया गया, जब संस्कृत के श्लोक उच्चारते हैं, तब ये सारी बातें पता चले कि इंटरनल जो हमारा मैकेनिज्म है ब्रेन का, उसमें क्या असर होता है। तो इसको भी हमें समझने की बहुत जरूरी है। वैसे ही हवन या यज्ञ करते हैं, तो हवन और यज्ञ का भी रिसर्च बहुत हुआ है। हवन और यज्ञ में भी क्या पता चला, जब हवन और यज्ञ हम रेगुलरली करते हैं, नियमित तौर पर से करते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल हम उसमें डालते हैं, उन ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से जो भी धुआं उत्पन्न होता है सराउंडिंग में, हमारे आजू बाजू के वातावरण में जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, वायरस होते हैं, उसको वो किल करता है। और ये उसका इफेक्ट एक महीने तक होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसीलिए पहले के हमारे पूर्वज कोई भी बीमारी आए या कुछ भी आए, हमारे घर में हो, समाज के साथ जुड़कर हो, मंदिरों में हो, हवन यज्ञ हमेशा करते थे, क्योंकि उन्हें पता था इसका महत्व बहुत है। और इसे आज हम मजाक में उड़ाते हैं कि कुछ भी क्या करते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक महत्व हमें समझ में आता है तो हम जरूर इसको करना चाहिए। फिर स्त्रियों में आपने देखा होगा मांग भरना और पैरों में दूसरी उंगली में बिछिया पहनना, इसका भी साइंटिफिक कारण है। अभी जनरली आपने देखा होगा बिछिया पहनना और मांग भरना, ये शादी के बाद ही करती है स्त्रियां, शादी के पहले कभी नहीं करती। तो इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, जहां पे हम मांग भरते हैं, स्त्रियां मांग भरती है, तो स्त्रियां जहां पे मांग भरती है वहां से एक बेगस नर उनके गर्भाशय तक जाती है, और जहां पर बिछिया पहनी जाती है, और वो भी सिल्वर की होती है, आप देखो दूसरे कोई मटेरियल की नहीं पहनी जाती, क्योंकि सिल्वर ठंडा है और सिल्वर वहां पे एक्टिव प्रेशर क्रिएट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को गर्भाशय तक पहुंचाता है, और गर्भाशय का जो एक मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना होता है वो मेंटेन करता है, उसके वजह से प्रेगनेंसी हेल्दी होती है और बच्चा किसी तकलीफ के बिना उसका डिलीवरी होता है। आप देखो 50-100 साल पहले सीजेरियन कंसेप्ट नहीं था। सीजेरियन कंसेप्ट कब आया, जब हमने हमारे संस्कृति से दूर गए, बहुत सारी स्त्रियां सिटी में हो या टाउन्स में हो, इन्होंने इसको मॉडर्नाइजेशन के नाम पर पहनना बंद कर दिया और ये सारी तकलीफें शुरू हुई, और तब जाके सीजेरियन का कंसेप्ट आया। अदरवाइज पहले ये सीजेरियन वगैरह नहीं था, नॉर्मल हेल्दी डिलीवरी होती थी। लेकिन ये चीज भी हमारे पूर्वजों ने कितनी सटीकता से इसको इम्प्लीमेंट किया था हमारे समाज में, भले डर के कारण कहा था कि आपका सुहाग है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब तक आप डर क्रिएट नहीं करते हो तब तक लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो डर के सहायता से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक भाव था वो हम पहुंचाना समाज तक भूल गए। फिर गौमूत्र का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, गौ माता का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, हमें सीखना चाहिए अमेरिका और यूरोप से कि गौमूत्र पे उन्होंने बहुत डिटेल में रिसर्च किया, और गौमूत्र पे रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि ये तो कैंसर जैसे बीमारी पर भी इस गौमूत्र से इलाज हो सकता है, और करीबन उनकी 7 कंपनियों ने इसका पैटेंट लिया है, गौमूत्र से दवाइयां बनाते हैं और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों पर गौमूत्र की दवाइयां दी जाती है। हमारे यहाँ के लोग जो हंसते हैं
अमेरिका में कैंसर का ट्रीटमेंट करने जाते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं और गौमूत्र की दवाइयां सेवन करते हैं। ऐसे ही कैंसर की जैसे बहुत सारी बीमारियों पे गौमूत्र का दवाइयां बनाई जाती है और उसके पैटेंट ज्यादातर अमेरिकन कंपनी के। यानी जो ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ लिखा था वो हम उसको मजाक समझते, उसका मजाक उड़ाते हैं। जिसपे हमने रिसर्च करके दवाइयां बनानी चाहिए थी, हमने पैसा कमाना चाहिए था, वो पैसा आज अमेरिका और यूरोप कमा रहा है। वैसे गौ माता पे भी बहुत रिसर्च हुआ। गौ माता पे जब रिसर्च हुआ और पता चला कि काउ कडलिंग एक कंसेप्ट आया डेनमार्क अमेरिका में, इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। गाय माता को यदि आप हक करते हो, उसके साथ एक घंटा दो घंटा टाइम बिताते हो, तो ब्लड प्रेशर कम होता है, नॉर्मल होता है, और डिप्रेशन एंग्जाइटी कम होती है। इसलिए ये भी एक बिजनेस बन गया है। कुछ लोगों ने वहां पे बिजनेस के तौर पे इसको शुरू किया। $100, $200 जो भी एक पर आवर का चार्ज करना है चार्ज करते, लोग आते हक करते, टाइम स्पेंड करते उनके साथ और नॉर्मल फीलिंग होता है। देखिए जिस गौ माता को यहाँ पर काटा जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, उसी गौ माता का वहां पे कितना महत्व है। यानी उन्होंने रिसर्च किया, मजाक उड़ाने के बजाय उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि जो वेदों में कहा गया है, जो पुराणों में कहा गया है, वो तो कितना शत प्रतिशत सही है और उसका उपयोग हम कैसे अर्थ मार्जन के लिए, सामाजिक वृद्धि के लिए, बीमारियों को नष्ट करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, उन्होंने ये किया। तो इसको भी हमें समझना जरूरी है और हमारे युवकों ने इस पर रिसर्च करके भारत में भी कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि खुश रहने के लिए हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है और खुशी का मंत्र क्या है। खुशी का मंत्र भी हमारे ही पूर्वजों ने दिया हुआ है, हैप्पीनेस इंडेक्स। तो किससे आता है खुशी का मंत्र? हमारे शरीर में चार तरह के हार्मोन्स होते हैं। यदि वो सही मात्रा में हमारे शरीर में डेवलप होते हैं तो हमारा खुशी का इंडेक्स ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो चार हार्मोन्स कौन से है? एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। तो फिर इसको कैसे बढ़ाए, इसको सही मात्रा में कैसे हमारे शरीर में रोज के रोज निर्माण करें, इसके लिए भी बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया था। और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जो व्यक्ति डेली करते हैं कुछ समय के लिए, उनके अंदर इसकी मात्रा सही मात्रा में यानी ये निर्माण होते हैं और उनका हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा अच्छा रहता है। सिंपल सी बात है, क्या किया उन्होंने, रिसर्च किया माइंड पे, हमारे शरीर पे, और रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि योगा करना, डेली अलग अलग तरह के प्राणायाम करना और ध्यान करना, ध्यान 20 मिनट का ध्यान आपके ब्रेन में जो अल्फा और डेल्टा वेव्स क्रिएट करते हैं उसमें इतना सही तरीके से बदलाव लाता है कि आप धीरे 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 एक शांत जीवन जीना शुरू करते हैं और हर डिफिकल्टी को कैसे हैंडल करना है मन की लेवल पर वो आज समझ के करते हो। ये सब कुछ साइंटिफिक है, एम्स ने स्टडी किया है, निमान से स्टडी किया है, दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने, डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने इस पर स्टडी किया और तब जाके फाइंडिंग्स बाहर आई। फिर ओम मंत्र, ओम चैंटिंग का भी एक महत्व है। डेली ओम चैंटिंग करने से, एक रिदम में ओम चैंटिंग करने से हमारे शरीर के बहुत सारे डिसऑर्डर या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटीज है वो सारी ठीक होती है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना में एक यूनिवर्सिटी है जो ये ओम थेरेपी के द्वारा कोरोनरी डिसीजेस पे काम करती, बहुत सारे पेशेंट वहां पे एडमिट होते हैं, उनको दिन में कुछ ना कुछ समय ये ओम थेरेपी करवा के उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है और उसी ओम मंत्रा को या योगा प्राणायाम मेडिटेशन को हम नकारते हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, कुछ साल पहले की फिगर में बताना चाहता हूं, योगा प्राणायाम मेडिटेशन के द्वारा अमेरिका की जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है करीब $27 बिलियन की है। देखो कितना पैसा हमारे रिसर्च किए हुए चीजों पर अमेरिका के लोग कमा रहे और हम उसको यहाँ पे नाम रखते हंसते। ये हमें समझना होगा, हमारे युवकों को समझना होगा कि हमारे पास कितना ज्ञान का भंडार है और हम इसे कैसे आगे लेके जा सकते हैं। फिर गॉड पार्टिकल का कितना बड़ा यूरोप में रिसर्च हुआ। गॉड पार्टिकल आपको पता ही होगा कि करीबन 100 साल तक रिसर्च हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किए गए, बहुत सारी जमीन का यूज किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उस पर काम किया और अल्टीमेटली क्या प्रूव किया कि गॉड पार्टिकल यानी क्या, सब कुछ किसी से बने हुए, एक सूक्ष्म पार्टिकल से बने हुए। मुझे बताइए, आप वेद पुराण भगवत गीता पढ़ोगे, यही चीज हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कही थी कि वी आर एनर्जी एंड मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल विच कैनॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। ये हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था कि हम एनर्जी है, हम एनर्जी के तत्व है, हम सूक्ष्म है। ये सब कुछ यूरोपियन साइंटिस्ट ने
100 साल के स्टडी करने के बाद, हजारों करोड़ों बिलियन डॉलर खर्चा करने के बाद प्रूव किया जो हमारे ऋषि मुनियों ने ऑलरेडी वेदों पुराने में कह चुके हैं। तो ये हमारे हमारे समझ में आने चाहिए कि हमारा ज्ञान का भंडार कितना बड़ा है, बस हमें उस पर स्टडी करना चाहिए। फिर आप मंदिर आर्किटेक्चर पे आइए, मंदिर में भी आप देखेंगे मंदिर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। जितने बड़े बड़े मंदिर है आप यदि उसका रिसर्च करोगे, उसमें जो घंटा लगाते हो उस पर आप स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा कि मंदिर का आर्किटेक्चर भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अर्थ में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स होती है। तो जहां पर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स ज्यादा होती है वहां पर वो आइडल को स्थापित करने का प्लान होता है। जो बड़े मंदिर होते हैं उसका इस तरह से स्टडी करके किया जाता है। और आइडल की स्थापना करने के पहले उसके नीचे कॉपर की प्लेट्स डालते हैं और उसमें कुछ वेद मंत्र उस पर पूरे जाते हैं और वो डाले जाते हैं और वहां पर आइडल का आइडल की स्थापना होती है, मूर्ति की स्थापना होती है। फिर और उसका जो भी शेप होता है इस तरह से होता है कि सारी वेव्स को उस एनर्जी को वहां पे संग्रहित किया जाए, इस तरह से उसका आर्किटेक्चर होता है। यदि आप रोज मंदिर में जा रहे हो, एक दिन मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, यदि आप रोज मंदिर में जा रहे हो तो आपके अंदर धीरे धीरे सकारात्मक भाव डेवलप होना शुरू होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत हमारे अंदर डेवलप होना शुरू होता है। लेकिन इसके लिए आपको डेली जाना पड़ता है क्योंकि ये भी साइंटिफिक तरीके से बना है। जो घंटा मंदिर में लगाई होती है, घंटा बजाने से क्या होता है, घंटा बजाने से घंटे का जो भी अलग अलग उसके अंदर मेटल्स यूज किए जाते हैं, इस तरह से उसका भी सम्मिश्रण होता है कि जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं हमारे शरीर में जो मेन 7 हार्मोन्स है, 7 ग्लैंड्स है, उसको एनर्जाइज करता है और बैलेंस लाता है ताकि शरीर का वर्किंग फंक्शनिंग ठीक से हो। ये भी उसके पीछे का एक बहुत बड़ा साइंस है। तो हर चीज साइंटिफिक है। और दूसरी बात ये कही जाती है कि हजारों साल पहले आज भी एक्सकेवेशन में आर्कियोलॉजिकल सर्वे से या साइंटिफिकली अलग अलग चीजें मिल रही है, उससे क्या पता चलता है। और हम देखते हैं कि हमारे जैसे मंदिर साउथ में जाओगे तो आपको कितने सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे जिसका आर्किटेक्चर, जिसका डिजाइन, जिसको बनाने का स्किल देखकर लगता है कि कैसे पॉसिबल होगा। तब के लोग कि आज जो चीज डिफिकल्ट लगती है, तब जब ऐसा कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी नहीं थी तब उन्होंने कैसे बनाए होंगे। आपको मैं एक ही एग्जांपल देना चाहता हूँ, तंजावुर का मंदिर, बृहदेश्वर का मंदिर, भगवान शिव शंकर का मंदिर 1003 से 1010 7 साल में बना था। तो आप जरूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि करीबन 20 माले का मंदिर है, करीबन 130,000 टन का पत्थरों का ये यूज किया गया, पत्थर यूज किए गए। आप सोचिए कैसे वहां पर लाया गया होगा और जो पत्थर है वहां पर नहीं मिलते, तो दूसरी जगह से कैसे लाया गया होगा, कैसे 20 माले का मंदिर विथ स्किल परफेक्शन ये 1000 साल के बाद भी उस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। आज देखिए 50 साल पहले का पुल भी टूट जाता है, वेदर कंडीशंस को विस्टैंड नहीं कर पाता। 1000 साल पहले का मंदिर, 2000 साल पहले के मंदिर भी आज जैसे के वैसे खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ है उनको। क्या आर्किटेक्चर था? 80 टन का पत्थर ऊपर जाके स्तूप स्थापित करना कैसे किया होगा? क्या टेक्नोलॉजी, कौन सी मशीनरी थी जो हमसे मुगलों ने और अंग्रेजों ने छुपाया और हमसे सारी ये बातों को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमें पता नहीं चलने दिया? क्या था हमारे पूर्वजों के पास इतना ज्ञान का भंडार, स्किल का भंडार और इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्निक्स जिससे इतने बड़े बड़े उन्होंने चीजें बना पाए? और उसमें एक महत्वपूर्ण बात, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल व्यवस्थापन कैसा था उनका देखिए। आज भी आप जाओगे तो सबसे ऊपर 80 टन का जो ये बनाया गया है उसके अंदर रेन का जो बारिश का पानी उसमें जमा होता है और उसको इस तरह से चैनलाइज किया गया है, 4 अलग अलग दिशा में पॉन्ड बनाए गए हैं, वो सारा पानी उस पॉन्ड्स में जाके जमा होता है। देखिए कितनी बड़ी सोच थी, रेन हार्वेस्टिंग तभी करते थे, आज जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते तभी करके रखा है और कितना सिस्टमेटिक करके रखा है। ये हमें समझना होगा कि ये हमारे युवकों ने स्टडी करना जरूरी है। इतना जब हमारे 1000, 2000, 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज कर पाए तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? कहाँ गलती हुई हमसे वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन हमें इस सिद्धांत को समझना होगा, इस ज्ञान को समझना होगा, इस स्किल को समझना होगा, टेक्निक को समझना होगा, टेक्नोलॉजी को समझना होगा और हमें हमारे संस्कृति को पुनर्जीवित करना जरूरी है। आप मीनाक्षी अम्मन टेम्पल मदुरई में, 1000 पिलर का हॉल है मीनाक्षी मदुरई टेम्पल, 0 इको प्रोड्यूस होता है। कैसे 0 इको प्रोड्यूस होता है, इसका भी स्टडी किया जाना जरूरी है।
ये कोई प्रोड्यूस नहीं होता। हमने फिजिक्स में पढ़ा है 17.2 मीटर के डिस्टेंस पे यदि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो इको प्रोड्यूस होता है, तो वहां पे क्यों नहीं प्रोड्यूस होता? क्या डिजाइन था उनका, क्या किस तरह का उनको उन्होंने नॉलेज अप्लाई किया है, क्या स्कीम था उनके पास किसको वो इम्प्लीमेंट कर पाए और अभी तक भी चल रहा है। और एक दूसरी बात बृहदेश्वर मंदिर की मैंने बताना चाहता हूँ, 1000-1500 साल की पेंटिंग्स अभी भी जैसी के वैसी है। आप देखोगे वहां की पेंटिंग्स ऑर्गेनिक पेंट से बनाई हुई पेंटिंग्स आज भी जैसी की वैसी। आप सोचिए किस तरह के कलर यूज किए होंगे, किस तरह का उनका उस तरह का नॉलेज होगा कि हजारों साल के बाद भी पेंट आज वैसे के वैसे। जैसे आज हमारे घरों को पेंट मारते 2-4 साल में हमें वापस करना पड़ता है। यही हमें चीज समझनी है। तब का टाउन प्लानिंग आप देखिए, तब का टाउन प्लानिंग आज के टाउन प्लानिंग से बेस्ट था। हर चीज को सिस्टमेटिकली तरीके से, हर सिटी को सिस्टमेटिकल तरीके से डिजाइन किया हुआ था। घरों का कंस्ट्रक्शन, उसकी रचना एक सिस्टमेटिक वैसे थी। ट्रैफिक का एक सिस्टमेटिक प्लानिंग था। जल व्यवस्था एक सिस्टमेटिक थी। हर चीज को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे बनाना हमारे तब के लोगों ने करके दिखाया। हड़प्पा उसका जिंदा उदाहरण है, एक्सकेवेशन में उसके प्रूफ भी मिले हैं। फिर मेटलर्जी, हम मेटल्स में भी बहुत आगे थे। आपने देखा, आपने देखोगे आयरन पिलर दिल्ली में करीबन 22 फीट का है, इतने साल होने के बाद भी उसको रस्टिंग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? ये भी तो एक बहुत बड़ा मेटलर्जी का सिद्धांत हमें समझने की जरूरत है। क्या उनके पास इतना नॉलेज था कि उनको पता है कि आगे चल के मेटल कभी भी जब ऑक्सीजन की इस संपर्क में आता है तो रस पकड़ता है कुछ मेटल्स, तो फिर उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? आयन का, आयन तो रस पकड़ता ही पकड़ता है, तो क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की क्या इतने सालों के बाद भी वो रस नहीं पकड़ता? ज्यादातर मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हमने दिए, जीरो से लेके अलग अलग फ्रैक्शंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, अलग अलग जो भी मेथड्स है, ट्रिग्नोमेट्री के मेथड्स, ये हमारे ऋषियों ने अपने बुक्स में, वेदों में, पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ हमारे वेदों में है। हमने स्टडी करना भूल गए, लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन से स्टडी करके ये सब कुछ लिखा है। हम भी स्टडी करेंगे तो हमें भी ये सारी चीजें पता चलेगी कि कैसे हर चीज को लिखा गया है। फिर फार्मिंग टेक्नोलॉजी, फार्मिंग टेक्निक्स भी हमारे यहाँ डेवलप हुई और ईस्टर्न में यूरोप, उन्होंने हमारे टेक्निक्स को यूटिलाइज करना शुरू किया और हमसे आगे वो फार्मिंग टेक्निक्स में निकल गए। जैसे क्रॉप रोटेशन मेथड, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से कैसे बेस्ट तरीके से खेती की जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स उन्होंने कभी यूज नहीं किया, तो वो कई करके कैसे उत्पन्न को बढ़ाया जाए, कैसे बेस्ट क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाए, ये सारी टेक्निक हमारे पूर्वजों के पास थी और उसको उन्होंने अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था। फिर फिजिक्स के बहुत सारे सिद्धांत, जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी का सिद्धांत भी हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था। और तभी उन्होंने कहा था कि एक ऐसी शक्ति होती है जो अर्थ की तरफ सबको खींचती है। सूर्य के अराउंड जो भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो भी एक सूर्य की शक्ति के कारण होते हैं। वो शक्ति को फिर बाद में न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स कहा। ग्रेविटी के कारण होता है ये तो हमारे पूर्वजों ने पहले ही कहा था। एक जर्मन फिजिसिस्ट है वर्नर हेजनबर्ग, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था कि मैं क्वांटम फिजिक्स का जब स्टडी करता था तो मुझे क्रेजी लगता था, मुझे लगता था क्या बनाया है ये। लेकिन जब मैंने वेदों का अध्ययन किया और वेदों में जब मुझे क्वांटम फिजिक्स समझ में आया, तब मुझे सच में क्वांटम फिजिक्स के बारे में एक जिज्ञासा निर्माण हुई और मुझे समझने लगा, तभी मैं अच्छी तरह से क्वांटम फिजिक्स को समझ पाया जब मैंने वेद और पुराणों को स्टडी किया। देखो ये सब कौन बता रहे, यूरोपियन और अमेरिकन, यही बात हमें समझने की जरूरत है। आचार्य चाणक्य ने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स कैसे होना चाहिए, कैसे राज्यों को एक साथ लाना चाहिए, आर्यवर्त जो सारे राज्यों को उन्होंने एक साथ लाके बनाया था, जिसको हम आज हिंदुस्तान, भारत, इंडिया कहते हैं, तो पॉलिटिक्स कैसे होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स कैसे होना चाहिए, इसकी भी थ्योरी, मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इसकी भी थ्योरी आचार्य चाणक्य ने तभी दी थी। और इसीलिए एक गरीब बच्चे को, आचार्य मौर्य को, एक गरीब बच्चे को उन्होंने क्या बनाया, एक राज्य का राजा बनाया, क्योंकि यही ट्रिक्स उन्होंने सिखाई कि पॉलिटिक्स कैसे खेला जाता है, कैसे ग्रोथ करनी चाहिए, कैसे इकोनॉमी होनी चाहिए किसी राज्य की, देश की, उन्होंने सिखाई। तो इसीलिए ये जो हमारे साइंटिफिक कंसेप्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमी है, माइंड मैनेजमेंट है, ये सब कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। भगवद गीता को मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है। स्टीफन कोवे ने जब किताब लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो उनको पूछा गया कि आपका
इसका बेस क्या था कि आप इतने अच्छे किताब लिख पाए? तो बोले मैंने भगवत गीता का स्टडी किया, और भगवत गीता का स्टडी करने के बाद मुझे ये सारी बातें समझ में आई जो मैंने सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में मैंने लिखी। तो देखो भगवत गीता मैनेजमेंट गुरु किया जाता है, गुरु कहा जाता है, और उसको हम इग्नोर करते हैं। एक एक श्लोक का आप मतलब अर्थ समझोगे, उसका अर्थ समझोगे, तो पता चलेगा कि हमारे जीवन की सारी समस्याओं का जो भी निदान चाहिए वो सब कुछ भगवत गीता में। लाइफ मैनेजमेंट कैसा करना है, वर्क मैनेजमेंट कैसा करना है, कोई प्रोजेक्ट आप हैंडल कर रहे हो उसको कैसे मैनेज करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, माइंड को कैसे समझना है, ईगो को कैसे समझना है, मेमोरी को कैसे समझना है, इंटेलेक्ट को कैसे शार्प करना है, ये सब कुछ भगवत गीता में। और इसी ज्ञान को हमें हमारे यूनिवर्सिटीज में भी लाने की जरूरत है। तो फिर ये जो सारी चीजें मैं कह रहा हूं, ये सारी चीजें और ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो आपके तक पहुंची नहीं। फिर युवाओं ने क्या करना चाहिए? युवाओं ने हमारे यूनिवर्सिटीज के थ्रू, जैसे इंडस यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, इनके थ्रू या बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो इस पे काम कर रही है, या खुद एक अपना नेटवर्क डेवलप करके हमारे पुराने जितने भी वेद पुराण शास्त्र है उस पर रिसर्च करके क्यों ना हम हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, हमारे बच्चों को आगे लेके जाए, जो अमेरिका और यूरोप फायदा ले रहा है उसको हम करें। क्योंकि आज देश इस संस्कृति से दूर हो गया है, इस ज्ञान से दूर हो गया है, इस वैज्ञानिकता से दूर हो गया है, और इसके कारण हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में अलग अलग तरह की व्याधियां उत्पन्न हो रही है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक लेवल पर। और इस व्याधियों के कारण जो जीवन में हासिल करना है वो कर नहीं पाते, और एक मानसिक गुलामगिरी की तरफ हम आगे बढ़ते। तो इसके कारण क्या है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं तो पहले चाहूंगा कि आप मुझे कुछ सवाल पूछे, उस सवालों के जवाब में मैं सारी बातें आपको बताना चाहूंगा। अच्छा सर, ये एक बात आती है, क्या विज्ञान को ही हमें, जो जिसे हम साइंस कहते हैं, क्या उसे ही हमें मानक बनाना चाहिए बार बार अपनी संस्कृति को प्रूव करने के लिए? क्योंकि ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि विज्ञान की फाइंडिंग्स कल कुछ और भी हो जाए तो क्या हमारे शास्त्रीय मानक बदल जाएंगे? तो एक ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है, इस पर कुछ क्लियरेंस चाहता हूँ। हाँ, आपका सवाल सही है। मानक इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारे वेद और पुराण, जिसका जीवन के हर अंग से जुड़ा हुआ सब कुछ लिखा हुआ था, उसको हमने सही तरीके से पेश नहीं किया, और सही तरीके से पेश न करने के कारण हमारे संस्कृति के खिलाफ एक हमारे लोगों में एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हो गया कि हिंदू संस्कृति तो अंधश्रद्धा वाली है, फालतू है। और भले हम मानते हैं, लेकिन समाज में ज्यादातर लोग इसके विरोध में जा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है ऐसी इस तरह से नैरेटिव सेट किया गया कि सब कुछ गलत है, ये तो ये ऐसे ही है, इसके अंदर साइंस नहीं है, साइंस होते हुए भी गलत माना जा रहा है। इसलिए हम इसके साइंटिफिक तरीके भी हमें बताने होंगे, इसके पीछे का साइंस क्या था। क्योंकि जब तक हम साइंस नहीं समझेंगे, हमारे बच्चों में या हमारी संस्कृति के तरफ लगाव नहीं होगा, और संस्कृति के तरफ जब तक लगाव नहीं होगा वो गलत रास्ते पे फटकेंगे, और समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पीछे जाएगा, और देश हमारा जितना आगे बढ़ना चाहिए था अभी उतना नहीं बढ़ पा रहा है। और क्या हो रहा है, हमारा वेद, हमारे पुराण, हमारे संस्कृति को यूरोपियन और अमेरिकन समझ रहे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं, और वो आज सामाजिक आर्थिक प्रगति में आगे चले गए। तो गलत क्या हो रहा है, हम उनकी संस्कृति अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति के बारे में गलत लगता है। यदि हम उनको हमारी संस्कृति का ये मापदंड भी, ये जो सैद्धांतिक पद्धति है वो भी सिखाए तो गलत कुछ नहीं है। और विज्ञान को तो ऐसा है कि विज्ञान किस धारा में, किस तरीके से आप देखते हैं वो है। मैं तो विज्ञान को ये देखता हूँ कि जीवन शैली में मन हो, या जितने भी तरह के हमारे समस्याएं हो, या फिर हम कुछ काम करते हैं, या कोई फैक्ट्री डालते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसको भी हम यदि उससे वैज्ञानिकता से जोड़ के कुछ अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। इससे संस्कृति को विज्ञान से हम अलग नहीं कर सकते, विज्ञान संस्कृति का एक छोटा भाग है जिसको हम नकार नहीं सकते, उसको हमको साथ में लेके ही हमारे युवकों को आगे लेके जाना होगा। जी सर, अगर इसके मतलब हमारे पास इस तरह के हर कार्य के पीछे एक मीनिंग था और लाइफ एक स्मूथली चल रही थी, तो इसके डिस्ट्रक्शन के पीछे के आप कारण को क्या देखते हैं, क्यों ऐसा हुआ? हाँ सही कहा आपने, सही कहा आपने कि क्या डिस्ट्रक्शन के कारण है। देखिए, हजार साल के पहले, हजारों सालों तक हम सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से बलशाली थे,
जीडीपी सबसे हाई था, पूरे दुनिया में हमारा जीडीपी हाई था। कहा जाता है कि चार दुनिया में जो वस्तु होती थी उसमें की एक भारतीय होती थी, और टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज में हम आगे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो जब बोलते हैं ना कि जब आपके अच्छे दिन होते हैं तो आप कुछ अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो हमारा एक संस्कृति का एक सिद्धांत था कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम बुरा नहीं करते किसी का, तो कोई दूसरा हमारा क्यों बुरा कर सकता है। ये फिलॉसफी ने हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया। हम ये फिलॉसफी के कारण हमारे दिमाग में ये आया, क्यों ना हम अहिंसा का रास्ता अपनाएं, क्यों हम बलशाली बने, क्यों हम शस्त्र अपनाएं, क्यों हम हमारे लोगों को शस्त्र की ट्रेनिंग दें, क्योंकि हम तो अच्छे हैं, हमारा कोई क्या बुरा करे। लेकिन जो शत्रु होते हैं, मित्र और शत्रु हमेशा बदलते रहते हैं। एक आप अलग लाइफ में हो, या आप सामाजिक लाइफ में हो, या आप देश की बात करो, मित्र और शत्रु हमेशा बदलते रहते। तो कौन आपका शत्रु कब बन जाएगा अपने फायदे के लिए वो पता नहीं होता। और शत्रु क्या चाहता है, आपका हमेशा विनाश चाहता है। और यदि आपने आपको अहिंसा का रास्ता अपनाना गलत नहीं है, लेकिन अहिंसा का रास्ता यदि आपको बलशाली होने के लिए रोक रहा है तो गलत है। आप यदि बलशाली बनते हो, आप अपने मिलिट्री को पावरफुल बनाते हो, अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हो, पावरफुल बनाते हो, सशस्त्र सेनाएं बल खड़ी करते हो, तो आपका शत्रु कभी भी आप पे अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन हमारे तब के पूर्वजों ने सोचा क्या करना है, हमें किसी से झगड़ा करके युद्ध करके क्यों तैयार करना है, और उसी का फायदा हमारे शत्रुओं ने लिया। आज का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, पाकिस्तान देखिए, हमेशा हमें डराता था, रोज न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा था। लेकिन जैसे हमारी सेनाएं मजबूत हुई, हमारी सेना मजबूत हुई, हर रूप से आज पाकिस्तान डरता है। शत्रु को अहिंसा कैसे यूज करनी चाहिए, अहिंसा का इस्तेमाल अपने आप को मजबूत करके करना चाहिए। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ दो, वही हमारे पूर्वजों ने गलती की। आप अपने आप को मजबूत करो, आप पे कोई वार नहीं करेगा। मैं एक भगवान बुद्ध की एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, आपको उससे समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। भगवान बुद्ध के पास एक सेनापति है, बोले मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, मैं सेनापति का पद घर दार सब छोड़ के आया हूँ, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, आपके साथ मुझे ले लीजिए। तो भगवान बुद्ध ने उनको पूछा कि आप सेनापति का पद क्यों छोड़ रहे हो, इतना सब कुछ आप राज्य का इतना बड़ा दायित्व तो आपके पास है, आप क्यों छोड़ रहे हो। तो सेनापति ने कहा कि बाजू के राज्य की सेना हम पे अटैक करने आ रही है, और मैं नहीं चाहता कि हजारों लाखों लोग उसमें मर जाए, खून खराबा हो, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं सब छोड़ के आ गया, और मैं चाहता हूँ दीक्षा ले लूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको लगता है आपके यहाँ आने से आपका शत्रु आपको राज्य को छोड़ देगा, वो अटैक नहीं करेगा, उल्टा आपकी सेना और कमजोर होगी, आपका शत्रु राष्ट्र और मजबूती से अटैक करेगा, ज्यादा खून खराबा होगा, ज्यादा लोग मरेंगे, और उसका पाप भी आपको ही लगेगा। उसकी बजाय आप जाए सेनापति की तरह अपने सेना को मजबूती से खड़ा कीजिए, आप लड़िए, और आपको वीर गति भी प्राप्त हो गई तो आपको पुण्य ही मिलेगा, क्योंकि आप आपके राज्य के लिए आपके देश के लिए। यही बात हमें समझ में आई, हम ये सोच के कि अहिंसा हमारा ये, लेकिन अहिंसा ये कभी नहीं कही थी। और हमारे हिंदू धर्म में, हमारे हिंदू राष्ट्र का, हमारे देश का एक आप देखिए, हमने कभी किसी व्यक्ति पे, किसी देश पे अटैक नहीं किया आज तक, हमारे इतिहास तक हमने किसी की जमीन नहीं हड़पी, किसी दूसरे देश की महिलाओं, हमारी महिलाओं या किसी दूसरे की महिलाओं पे कभी अत्याचार नहीं होने दिया, हमने कभी भी नेचुरल रिसोर्सेस को, किसी के नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया, ये हमारा इतिहास है। तो अहिंसा के मार्ग पे रहते हुए यदि हम बलशाली रहते तो भी हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम बलशाली होंगे तो हम दूसरे का भलाई करेंगे। मत्स्य मार्ग हमारे वेदों में भी कहा गया, मत्स्य मार्ग कहने क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, खत्म कर देती है। यदि आप कमजोर है तो आपको जो बड़ी मछली है, जो स्ट्रांग है, वो खत्म कर देगा। यदि आपको सर्वाइव करना है, आपको आगे बढ़ना है, सबका भला करना है, सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से सबका भला करना है दुनिया का, तो आपको सशक्त होना पड़ेगा। यही जो सोच है ये गलत थी, इसलिए हमारा तब डिस्ट्रक्शन। और यही सोच को हमें अभी भी हमारे युवकों में, हमारे समाज में लाने की जरूरत है, ताकि हम सबका भला कर सके। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम यदि शक्तिशाली बनते हैं हम सबका भला ही करेंगे। तो यही हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण है। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जो द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है बेसिकली, अभी ये तो अभी कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि गॉड, वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो यहाँ पे सर बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो भी क्लेम करते हैं कि आवर रिलीजन हैज क्वांटम मैकेनिक्स विद अस, वहाँ पे वेदांतिक जो थॉट्स है हमारे हिंदुइज्म,
वो भी क्लेम करते हैं कि या क्वांटम मैकेनिक्स केम फ्रॉम अस, लाइक आपने हाइजेनबर्ग का एग्जांपल दिया है, तो सर इस गॉड को, इस द आइडिया ऑफ गॉड को सर हम लोग कैसे साइंटिफिकली इसको सर देखे सर? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा आपकी जिज्ञासा भी है गॉड को समझने। मैं सिंपल भाषा में कहता हूँ कि जो हमारे वेदों पुराने में कहा गया है जिसको निर्गुण निराकार, उसको सिंपल भाषा में कैसे समझे कि गॉड है ना, क्या एक एनर्जी, गॉड क्या है, एक एनर्जी, हमारे वेदों पुराने में कहा गया है एक एनर्जी, एक सूक्ष्म पार्टिकल है जो एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट करता है। और आपने पढ़ाई है एनर्जी क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वैसे ही ये जो एनर्जी का रूप है, हमारे शरीर में भी एनर्जी है और यूनिवर्स में भी एनर्जी है, तो हमारे अंदर भी भगवान है हम जब कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है तभी तो हम सारे फंक्शन कर पाते हैं, और यूनिवर्स में भी एनर्जी, इसलिए यूनिवर्स के भी फंक्शन चल रहे हैं। तो हम भगवान को इस तरह से भी समझे, सिंपल भाषा में आपको वैज्ञानिक तरीके से देखना है तो एक एनर्जी के फॉर्म में है, और जब उसको हम साकार फॉर्म में देखते हैं तो फिर हम जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे अलग अलग देवताओं के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जब भगवान उस साकार रूप में आए, उस एनर्जी ने समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपने एनर्जी का सदुपयोग किया, बहुत अच्छी तरह से ये किया। तो साकार रूप में जब हम देखते हैं तो कोई पूजा करते हैं हम, जैसे श्री कृष्ण भगवान की, श्री राम भगवान की, और निर्गुण निराकार जब हम कहते हैं तो उस एनर्जी को हम समझते हैं कि अल्टीमेटली हर कोई एनर्जी है और एनर्जी के फॉर्म में ही सब कुछ है, एनर्जी तो सब कुछ है, यूनिवर्स भी किसकी वजह से चल रहा है, एनर्जी के कारण, एनर्जी नहीं है तो सब कुछ खत्म होता है, जिस दिन हमारे शरीर से एनर्जी निकल जाएगी उस दिन हमारा भी अस्तित्व नहीं होगा, वैसे ही यूनिवर्स भी चल रहा है बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो उस ढंग से आप साइंटिफिकली देखो, साइंटिफिक तरीके से देखोगे, और आप देखोगे हमारे हिंदू धर्म का एक मंत्र है, एकम विप्रा, क्या बोलते बहुधा, एक मंत्र है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उसमें क्या कहा गया, जैसे आपने कहा कि बुद्धिस्ट इसको इस तरह से मानते हैं, हिंदू इसको इस तरह से मानते हैं, अलग अलग धर्म मानते हैं, लेकिन हमारे इसमें यही कहा गया कि कुछ भी हो आपका स्टडी करने का तरीका, आप जिस भी मेथड को अडॉप्ट करते हो, अल्टीमेटली आपका पर्पज क्या है, उसी भगवान को समझना, उसी एक तत्व को समझना। आपका मार्ग भले अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मार्ग के लिए हमारे यहाँ पे कोई ये नहीं है, आप कोई भी मार्ग चुन सकते हो, लेकिन आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए उस एक तत्व को समझना।